असलम माई नीम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम ENG एन जी टू जीरो वन के लेक्चर नंबर ट्वेंटी सिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं तो so, लेक्चर नंबर ट्वेंटी फाइव में हमने जनरल रिपोर्ट्स के अबाउट डिस्कस किया था एंड आज के लेक्चर में हम एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट्स के अबाउट डिस्कस करेंगे तो इसमें बेसिकली क्या अगर आप नाम देखें तो रिसर्च मतलब इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स जो है ऑब्जर्वेशन वगैरह की जाएंगी मतलब इस रिपोर्ट में क्या काम होगा ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स होगा खैर इसमें हम जो है वन बाय वन इसको देख लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है सबसे पहले है कि डिफाइनिंग एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट ठीक है डिफाइन uh, कैसे करते हैं अब बेसिकली यह है क्या इट इज़ अ रिसर्च दैट रिपोर्ट्स द रिजल्ट स्टडी एंड यूज डेटा डराइव फ्राम एक्चुअल ऑब्जर्वेशर एक्सपेरिमेंटेशन कि जब आप एक्चुअल में या ऑब्जर्वेश्पेरीमेंटेशन करते हैं मतलब तजुर्बात वगैरह करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट आता है या फिर आप जो स्टडी करते हैं उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है ठीक है एक रिसर्च होती है जिसमें ये सारा कुछ किया जाता है और उसको क्या कहते हैं इंपिरिकल रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं ठीक है, है? इसमें क्या होता है रिपोर्ट इज़ यूज टू आंसर अ क्वेश्चन और टेस्ट आर हाइपोथीसिस मतलब आप क्वेश्चन का आंसर करने के लिए इस रिपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्मॉलर अमाउंट ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च है डिफरेंट पर्पज का डिफरेंट पर्पज़ हो सकते हैं टू एक्सटेंड जर्नल ह्यूमन नॉलेज इंसानों के जो है जनरल नॉलेज को एक्सटेंड करने के लिए भी कर सकते हैं टू लर्न हाउ फिश रिमेंबर मतलब जो फिशिज़ हैं उनके अबाउट लर्न कर सकते हैं उसके बाद अर्थ के अबाउट मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें रिसर्च के अबाउट आती हैं क्या आप रिसर्चिज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों पर काफ़ी मतलब अलग अलग से रिसर्च करते हैं ठीक है ठीके? एंड दिस रिसर्च इज कैरीड आउट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमिटी मतलब इंसानों के लिए जो है इंसानों के खातिर जो है इस रिसर्च को जो है कैरी आउट किया जाता है एंड इज पब्लिश इन साइंस जर्नल्स ठीक है अब उसके बाद इसमें क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं द क्वेश्चन रीडर्स आस्क मोस्ट ज़्यादा कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि सेवन क्वेश्चंस है पहला है कि वाई इज द रिसर्च इम्पोर्टेंट टू आस रिसर्च जो हम कर रहे हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ये पहला क्वेश्चन किया जाता है ठीक है उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट वर यू ड्राइंग टू फाइंड आउट आप क्या फाइंड uh, आउट करने की कोशिश कर रहे थे इस रिसर्च से जो आपने सर्च किए इसमें आपने फाइंड क्या करना है कौन से क्वेश्चन आपके माइंड में आए थे क्या आंसर्स लेने के लिए आपने रिसर्च किया है उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि वाज़ योर रिसर्च मैथड साउंड कि जो आपने मेथड यूज़ किया है वो अप्रोप्रिएट था या नहीं था एंड इंटेलेक्चुअली साउंड जो आपने यूज़ की है वो आ, आपके मतलब मेथड आपने यूज़ किया आपके रिसर्च के लिए वो अप्रोप्रिएट रहा भी है या नहीं रहा उससे आपको कोई कंक्लूजन कोई रिकमेंडेशन रिजल्ट वगैरह गेन हुए हैं या नहीं हुए है? तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या आ सकता है कि व्हाट रिजल्ट्स डिड योर रिसर्च प्रोड्यूस कि आपने जो रिसर्च किया उसका रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करता है कि इसमें क्या होता है कि योर रीडर विल वांट टू फाइंड आउट वट रिजल्ट यूप्ट मतलब आपने रिजल्ट क्या हासिल किए इसमें ये पूछा जाता है मतलब ये वो क्वेश्चन है जो रीडर पूछ सकते हैं आपसे फ्री उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू इंटरप्ट दीज रिज़ल्ट आपने इन रिजल्ट्स को जो है वो मीनिंगुल वे में जो है वो यूज़ किया है यानी इन रिजल्ट्स को आगे फिर कैसे यूज़ किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दोज रिजल्ट्स इन रिजल्ट्स का जो है वो सिग्निफिकेंट अहमियत क्या है कि आपने जो सर्च किया उसका जो आपको रिजल्ट गेन हुए हैं उसके बाद उसकी अहमियत क्या है उससे आपकी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व हो रही है यानी आपके जो क्वेश्चन थे उनका आपको आंसर मिल रहा है यानी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इसकी अहमियत क्या है क्वेश्चन नंबर सेवन है इस क्लास क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि वट डू यू थिंक वी शुड डू कि आपने रिसर्च कर ली है उसके बाद अब आप आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो एक रीडर के माइंड में आ सकते हैं या वो पूछ सकता है ठीक है ये सेवन क्वेश्चन थे जो पूछे जा सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे तो पास है कि सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सुपर स्ट्रक्चर फॉर इम्पीरिकल रिसर्च रिपोर्ट्स जो इंपेरिकल रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं उसका सुपर स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले बताया था आपने याद रखना है इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है अब यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या इंट्रोडक्शन है उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ रिसर्च है अब पहला देखे सेम है दूसरा डिफरेंट है इसमें ऑब्जेक्टिव देखे जा रहे हैं रिसर्च है, के उसके बाद मैथड देखा जा रहा है उसके बाद उसके रिजल्ट देखे जा रहे हैं डिस्कशन कंक्लूजन और रिकमेंडेशन वही सेम लेकिन उसमें देखें दो तीन डिफरेंट आ रहे हैं तो मैं अभी हर रिपोर्ट में दो तीन डिफरेंट होते हैं बाकी सेम होते हैं तो ये आपने याद रखना है इसमें ये सिक्स सेवन जो है इसके क्या कहते हैं इसके आपके पास सुपर स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स आ रहे हैं अब इनको वन बाय वन जो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लेती हूँ तो यहाँ पे जो है आपके हैंड रोट्स में ये दिया गया है एक इमेज उन्होंने अटैच की हुई है आपके हैंड रोट्स में जिसमें क्या लिखा हुआ है कि रिपोर्ट एलिमेंट्स एंड उसको सामने है कि रीडर्स कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है इसके पर मैं यहाँ से ही कोशिश करती हूँ कि आपको समझाने की वैसे ये वही चीज़ें हैं इसमें एक दो न्यू पॉइंट्स हैं मैं न्यू पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस करूँगी डिस्कशन कंक्लूजन रिकमेंडेशन और, और इंट्रोडक्शन ही तो हमने पहले बार बार डिस्कस किया हुआ पिछले भी दो तीन लेक्चर्स में उन्होंने डिस्कस किया तो आपको पता लग ही गया होगा मैं थोड़ा बहुत मोड़ा भी डिस्कस कर दूँगी लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो न्यू पॉइंट्स भी होगा तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करते हैं इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है कि आप अपना वो देखते हैं कि इसमें स्टार्ट में आपने उसका स्टार्ट कैसे लिया उसको स्टार्ट में मोस्टली क्वेश्चन किए जाते हैं ठीक है आपके जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें क्वेश्चन किए जाते हैं जैसे कि वाई इज योर रिसर्च इंपॉर्टेंट टू अस अभी एक क्वेश्चन है जो रीडर पूछ सकता है मतलब उसमें इंट्रोडक्शन देना है कि आपकी रिसर्च जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों थी आपका पर्पस क्या था रिसर्च का ये चीज़ें आपने किसमें बतानी होती हैं इसके इंट्रोडक्शन में बतानी होती हैं उसके बाद क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि वट वर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट अब ये क्वेश्चन बन सकता है आप इसको माइंड में रखें इस क्वेश्चन को तो आपको ईजिली इसका रिपोर्ट का जो है एलिमेंट uh, इसका पता लग जाएगा अब इसमें क्या ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली होता है कि आप का आप रिसर्च करते हैं आप उससे कोई ना कोई रिजल्ट गेन करना चाहते हैं आप कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या कोई थी हुई कुछ भी आप जो सर्च कर रहे हैं आप उसको जो है उसके रिजल्ट तक पहुँचना चाहते हैं तो आपका वही ऑब्जेक्टिव है कि आप उसको जो है वो उसका आंसर वगैरह गेन कर सको आप तहकीक जो भी कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं उस तक पहुँच सके तो ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है उसके बाद मेथड है कि वाज योर रिसर्च मेथड साउंड कि आपका जो आपने मेथड यूज़ किया है वो उसके लिए अप्रोप्रिएट था भी या नहीं मेथड कौन सा होता है मेथड यही होता है कि आप रिसर्च कर रहे हैं आपने उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ किया कौन सा वे यूज़ किया ठीक है तो मेथड ये होता है उसके बाद रिजल्ट्स की बात करते हैं रिजल्ट्स में कि आपने कौन सा रिजल्ट गेन किए हैं किस तरह के रिजल्ट थे मतलब रिजल्ट आपको uh, मिले भी हैं या नहीं और किस तरह के मिले हैं उसमें कंक्लूजन क्या रिकमेंडेशन क्या ये सारी चीज़ें ठीक है डिस्कशन के अबाउट डिस्कस स्क्रेन तो डिस्कशन क्या होती है डिस्कशन में आप अपना जो रिसर्च आपने की होती है आपको रिजल्ट मिलता है उसके बाद आप उसको अबाउट डिस्कस करते हैं ठीक है कि आपने इसको आगे कैसे यूज़ करना है इन रिजल्ट्स को आगे कैसे आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे ये सारी आप इसको आगे डिस्कस करते हो किस में डिस्कशन वाले एलिमेंट में उसके बाद कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन क्या होती है कि वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दोज रिजल्ट कंक्लूजन में आप उसको एंडिंग एंड end करते हैं और उसमें कंक्लूड करते हैं कि जो रिजल्ट आपने गेन किए हैं उनसे आपको उसकी अहमियत क्या है उसको आपने कैसे यूज़ करना है वही चीज़ डिस्कशन एंड कंक्लूजन जो है वो मिलते जुलते हैं इनमें किसके अबाउट डिस्कस किया जाता है रिसर्च एंड रिजल्ट के अबाउट अब लास्ट हमारे पास पॉइंट है रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन क्या होती है रिकमेंडेशन में कि आपको करना क्या चाहिए नेक्स्ट आप रिकमेंड कर रहे हैं कि इसके बाद अब आपको क्या करना चाहिए आपने सारे रिसर्च कर ली आपका रिजल्ट मिल गया डिस्कशन आपने कर ली कि ये हो सकता है ऐसे नहीं है सारे आपने क्वेश्चन जो आपके माइंड में थे सब कुछ आपने डिस्कस कर लिया सब कुछ हो गया अब रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि अब आपको खुद क्या करना चाहिए मीन्स कि याद आपको कुछ सजेशन दी जा रही है या आप खुद आपके माइंड में आ रहा है कि अब इसके बाद हमें क्या प्रेफर करता है क्या करना चाहिए तो कोई ना कोई रिकमेंडेशन होती है ये इसके सेवन पॉइंट्स थे सेवन पॉइंट्स आई थिंक सो तो हाँ जी ये सेवन पॉइंट्स थे ये आपके लिए आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे मैंने यहाँ पे सात साफ क्वेश्चन के थ्रू इसलिए समझाया कि आपको समझ आ जाए ये इतने इंपॉर्टेंट उस लिहाज से नहीं है कि आपको थ्यूरी टाइप आएगा ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है मैथड क्या है रिजल्ट क्या है डिस्कशन रिकमेंडेशन सारी चीज़ें हैं क्या ठीक है बस ये इसमें से आता है हाँ इसमें से एक और चीज़ आ सकती है मैं आपको वो भी बता देती हूँ तो यहाँ पे मतलब इसका स्टार्ट में जो भी आपके पाँच छः लाइनें हैं हर एक पॉइंट में आपने वो एक दफा लाजमी रीड कर लेनी है उसमें से कोई ना कोई फिर भी हमसे क्यू बन सकता है आपके मजीद कॉन्सेप्ट वो 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 भी क्लियर हो जाएंगे लाइक like मैंने यहाँ पे ये यह मैं कर दिया आप इसको भी रीड कर सकते हैं तो मतलब एग्जाम्पल्स आप ना भी करें लेकिन ये जो उसके अंदर आपके थोड़ा इंट्रोडक्शन के तौर तो पर थोड़ा बहुत दिया गया है आप हर पॉइंट के अबाउट उसको थोड़ा बहुत फिर भी आप डिस्कस कर लीजिएगा ये आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा ठीक है जैसे अभी यहाँ पर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में अभी ये पॉइंट एक मिस हो गया था कि इसको किस तरह से आप शो कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबल्स या ग्राफ्स की फॉर्म में टेबल में भी रिजल्ट शो कर सकते हैं ग्राफ की फॉर्म में भी कर सकते हैं उसके बाद डाय जो डिस्कशन है कंक्लूजन रिकमेंडेशन वही तो सेम चीज़ें हैं बट ये एक दो चीज़ें जो है बीच में एडिशनल हैं सो तो आप इसको एक दफा फिर भी रीड कर लीजिएगा इसमें कोई भी चीज़ हो सकता है स्किप हो गई हो बट इसमें जो मेन चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको करवा दी हैं एंड आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी मजीद वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स से लाजमी तौर पर शेयर किया करें बिकॉज मैं वीडियो बनाती हूँ तो अगर आप शेयर नहीं करते तो वो मुझे इतना फ़ायदा नहीं होता कि मैं अगर वीडियो बना रही हूँ स्टूडेंट्स तक पहुँच नहीं रही चंद एक स्टूडेंट्स जो मेरे ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं मतलब जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ चैनल को सिर्फ उन तक पहुँचती है न्यू स्टूडेंट्स तक नहीं पहुँच तो वो एक मतलब आप यूँ कह सकते हैं कितनी हेल्पफुल नहीं रहेगी वीडियो जस्ट चंद स्टूडेंट्स के लिए रहेगी सो so, आप वीडियो को लाजमी तौर पर आगे शेयर किया करें ठीक है एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अल्लाह हाफिज़